यहाँ से ईयर पास करनी है और यहाँ से विनेगर मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए इसके बाद लिखते हैं लाइन चेंज करके लिखिए। फाइनली अब बिल्कुल फाइनल फोर्थ में आ गए हम, सब कुछ हो गया है। फाइनली अ वेरी डाइल्यूट, फाइनली अ वेरी डाइल्यूट, अ वेरी डाइल्यूट, फाइनली अ वेरी डाइल्यूट एथाइल एल्कोहल, फाइनली अ वेरी डाइल्यूट एथाइल एल्कोहल, फाइनली अ वेरी डाइल्यूट एथाइल एल्कोहल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेट, from the top of the vat, from the top of the vat finally a very dilute ethyl alcohol drop from the top of the vat, from the top of the vat and air, आप चाहो तो ब्रैकेट में O2 लिख सकते हो, एयर में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और भी दूसरी गैसेस है, लेकिन हमारा यहाँ काम सिर्फ O2 से है। एंड एयर इज पास्ड, एंड एयर इज पास्ड थ्रू एयर होल्स, एंड एयर इज पास थ्रू एयर होल्स। फाइनली अ वेरी डाइल्यूट एथाइल एल्कोहल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेड एंड एयर इज पास थ्रू एयर होल्स एज अ रिजल्ट। अब हम यहाँ लिख रहे हैं ना जिसमें सबको दिख जाए, एज अ, कंटिन्यू लिखिएगा आप लोग, एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल टेक्स प्लेस इनटू विनेगर, ब्रैकेट में लिख लेना, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, और फुल स्टॉप लगा देना, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। फाइनली अ वेरी डाइल्यूट एथाइल एल्कोहल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेड एंड एयर इज पास थ्रू एयर होल्स एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल टेक्स प्लेस इनटू विनेगर डाइल्यूट एसिटिक एसिड। बच्चों सब मिडिल पार्ट में वुड सेविंग्स भर दी, माइकोडर्मा बैक्टीरिया के लिए ओल्ड विनेगर से इसको मॉइस्टेंट कर दिया, मतलब नमी युक्त कर दिया, है ना, और इन सब के बाद ऊपर से ड्रॉप किया डाइल्यूट एथिल एल्कोहल, है ना, बहुत डाइल्यूट रखना है, 90% 88% वाटर होना चाहिए, पतला बनाना ना, दही पतला बनाना तो दूध भी पतला, तो अगर आपको विनेगर बनाना है डाइल्यूट एसिटिक एसिड तो एथिल एल्कोहल भी पतला ही लेना पड़ेगा, है ना। और सब कुछ होने के बाद फाइनली अ वेरी डाइल्यूट एथिल एल्कोहल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेड, सब कुछ होने के बाद ऊपर से टंकी के ऊपर से डाइल्यूट एथिल एल्कोहल को ड्रॉप करते हैं, नीचे गिराते हैं,
और जब उसको नीचे कराते हैं उसी समय एयर भी पास चालू कर देते हैं, एंड एयर इज पास थ्रू एयर होल्स, और एयर होल से एयर पास करना चालू कर देते हैं। इसके फलस्वरूप ये जो एयर है, एल्कोहल है और माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया है, ये अपना काम करना चालू कर देंगे और एथिल एल्कोहल कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा विनेगर में। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल टेक प्लेस इनटू विनेगर डाइल्यूट एसिटिक एसिड। अब बच्चों इसकी कुछ प्रिकॉशंस है इस मेथड की, उन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। डालिए हनी प्रिकॉशंस, सावधानियां, प्रिकॉशंस। सावधानियां तो बच्चों पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी पहले पे लिख सकते हो, कोई भी चौथे नंबर पे, वैसे याद रखनी है। तो पहली सावधानी या आखिरी सावधानी जो भी आपको जब लिखना हो, पहला मतलब एथिल एल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए, अधिकतम 15%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल, कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल should not be concentration of ethyl alcohol should not be more than 15%. 10-12% आइडियल है, ज़्यादा से ज़्यादा 15%, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन शुड नॉट बी मोर देन 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल बिटवीन 10-15%, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल मस्ट बी डाइल्यूट, है ना। जैसे आपको लिखना हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आपको याद रखनी है ए लिमिटेशन। दूसरा, एयर का फ्लो कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं हो जाए कि बीच बीच में एयर पास होना बंद हो जाए, है ना। तो दूसरा प्रिकॉशन देखिए बच्चों, फ्लो ऑफ एयर शुड बी कंट्रोल्ड। एयर कंट्रोल तरीके से फ्लो होती रहनी चाहिए, फ्लो ऑफ एयर शुड बी कंट्रोल्ड, है ना। तो पहला अल्कोहल ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना, दूसरा एयर कंट्रोल। बच्चों तीसरा प्रिकॉशन बताने से पहले आप लोगों से कुछ पूछेंगे फिर बताएंगे। जैसे बच्चों हमें कर्ड जमाना है, कर्ड तो हमने अच्छा दूध ले लिया, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पुराना दही डाल दिया, और फिर उसको हम रखाएं फ्रिज में। तो जिससे पूछे भाई कर्ड जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा। क्यों? एक एक करके पूछेंगे, मान्या बता रही है। फर्मेंट होना, ठीक है। शिक्षा आप बताइए क्या रीजन है? पर नहीं होता ये पता है, बताओ। और कोई, आप भी अनामिका बोल रहे थे कि नहीं होगा जमेगा, क्यों? रीजन नहीं पता। अंकित आप भी बोल रहे थे, बताओ क्यों नहीं जमेगा? जमेगा, हाँ वो जमता ही तो है, का कि कट जमा जो नहीं पता। ये फाइनल तो सही आंसर आया बच्चों। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए,
वो बहुत ज़्यादा हुआ तो भी बैक्टीरिया डेथ हो जाएंगे, बहुत कम हुआ तो भी डेथ हो जाएंगे। और बैक्टीरिया अगर नहीं बनेंगे तो आपका कर्ट नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो बैक्टीरिया के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो बेस्ट टेम्परेचर है, 99% जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जर्मिनेट होते हैं, अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते हैं, वो टेम्परेचर 25-35 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया नहीं बने। हाँ, आप 1 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए, फिर फ्रिज में रखाइए तो जम जाएगा। अगर आपने तुरंत रख किया और रखा है अंदर तो फिर वो जमेगा नहीं आपका, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप दही को एक बार बन गया और फिर उसको फ्रिज में रख दो तो खट्टा नहीं होता जाता, बाहर रखो तो खट्टा होता जाता है। बाहर बैक्टीरिया बन रहे, अंदर बैक्टीरिया नहीं बन रहे। लिखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब होता है बच्चों उपरयुक्त, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25-35 डिग्री सेल्सियस। आइडियल टेम्परेचर बिटवीन 25-35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25-35। जितने भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती हैं, जितने भी, वो इसी टेम्परेचर पे होती है, चाहे लिकर वाली हो, चाहे ए वाली हो, चाहे कोई और भी हो, सब इसी टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है। एक और लास्ट है, बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर अच्छी करानी है, डाल तो दिए, जितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उतनी ही तेज इनकी डेथ रेट होती है। बैक्टीरिया 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर, फिर ये डेथ होते जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, 5 मिनट में उनका जीवन, 5 मिनट बाद डेथ हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी करानी है तो बैक्टीरिया को खाना देना पड़ेगा, तो इसमें बैक्टीरिया का खाना डाला जाता है, और बैक्टीरिया का खाना है अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया के बने हुए सॉल्ट। हाँ, खाते हैं भैया, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीवन है, जिसमें जीवन है वो खाना तो खाएगा ही, अपने पे थोड़ी खाई। लिखो, प्रेजेंसी ऑफ अमोनियम सॉल्ट एज अ फूड फॉर बैक्टीरिया, या माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, एज अ फूड फॉर बैक्टीरिया। ये बच्चों प्रिकॉशंस हो गए। एग्जाम्पल लिख लो अमोनियम सॉल्ट के, लिखो सब लोग, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट एज अ फूड फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसमें अच्छे खा लेंगे तो उनका जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा, है ना, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उनकी, और तेज़ी से ऑक्सीडेशन कराएंगे अल्कोहल का। लिखो जल्दी, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो सब लोग, देखें किस किस को फॉर्मूले बनाने आते हैं, सबको आते होंगे। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, अमोनियम मतलब पॉजिटिव, ये हो गया अमोनियम, सल्फेट मतलब, तो इस पे 1 पॉजिटिव है, इस पे 2 नेगेटिव है, तो न्यूट्रल करने के लिए कितने लगेंगे, 2, है ना, तो NH4 होल टू HSO4, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला अमोनियम सॉल्ट, ये अमोनियम सल्फेट है। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, अमोनियम सल्फेट आ गया ये। अब अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बना के दिखाओ, अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, और फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव, तो कितने अमोनियम लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, अमोनियम फॉस्फेट, अपने खाने के लिए, बैक्टीरिया के खाने के लिए, नहीं उसके लिए नहीं। जो हमारे लैक्टिक बेसिलस बैक्टीरिया हैं, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं,
भी वैसे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, उनको और कुछ जरूरत नहीं, वो दही को अपना सब कुछ मानते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। यूजेज और लिख लें इसके। बायो वाले बच्चों ने तो देखा होगा माइक्रोस्कोप के नीचे दही को रख के, देखा है? देखो बैक्टीरिया कैसे प्यारे प्यारे बैक्टीरिया उछकते हैं। एक काम की बात बताते हैं, दही दही में जो लैक्टिक बेसिलस नाम के बैक्टीरिया है ना, वो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, है ना। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। गुड बैक्टीरिया जो मनुष्यों के लिए फायदेमंद होते हैं, बैड बैक्टीरिया जो डिसीज का कोच करते हैं। तो ये अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, लैक्टिक बेसिलस बैक्टीरिया। ये यहाँ तक कहा गया है कि दही स्टोमक के लिए संजीवनी है, मतलब स्टोमक के डाइजेशन के लिए संजीवनी है दही। लेकिन वो दही कैसा होना चाहिए? बिना नमक वाला, ना शक्कर डली होनी चाहिए, नमक। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नमक आप डालोगे, शक्कर आप डालोगे, सुनाते रहते बच्चों को, आप लोगों को सभी ही परेशान कई तरह को स्कूल में भी सुनाई थे कहानी हम। तो वो नमक डालने पर मर जाते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट किया है हमने। फुर्सत बैठे थे बनारी में तो कर लिया, माइक्रोस्कोप लिया मैडम से, थोड़ा सा दही मंगाया, सामने ही होटल था, अच्छा सेट किया माइक्रोस्कोप। वैसे जैसे बताया गया कि बहुत ग्रीन होते हैं, वैसे तो नहीं दिखे थे हमें, बहुत ग्रीन तो नहीं दिखे, हाँ लेकिन हल्के हल्के थे, बिल्कुल छोटे छोटे फुदक रहे थे। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, फुदकना बंद हो गया उनका। थोड़ा ही सा नमक डाला था हमने, ऐसे भुरक दिया था, फिर देखा तो फिर नहीं फुदक रहे थे। नहीं वो प्लेट धो के रख दी बस। फिर हमने एक महीने तक दही नहीं खाया। चलो बच्चों विनेगर की यूजेज और लिख लें, फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। यूजेज विनेगर का यूज कहाँ कहाँ होता है? और चाउमीन तुम्हें याद रही आए, पढ़ केमिस्ट्री रहे याद चाउमीन आ रही है, रुक जाओ तुम्हें चाउमीन खिलाए, चाउमीन खा वो सब बंद करो, चाउमीन से बीमारियाँ होती है। दिल्ली में एक बच्चे की मोमोज खाने से डेथ हो गई है, यही तो है ना। अब रोटी ज़्यादा खाई तो अपन की डेथ थोड़ी हो जाती, मोमोज खाने से डेथ हो गई, बंद करो। नेपाल में फुल्की बैन कर दी गई, हैजा फैल रहा था उससे, फुल्की से नहीं फैल रहा हो तो, फुल्की की गंदगी से फैल रहा हो तो, आपको पता ही है। हमने कहीं देखा था कुछ बच्चियां फुल्की खा रही थी, तो उसने कहा भैया कल की फुल्की बहुत खट्टी थी, आज की खट्टी नहीं है, तो बोलो अब ये खट्टी कही थी मैडम, स्पेशल मसालों डाली नहीं, मैडम देखो ऊपर कौआ उड़ रहा हूँ। फिर खिलाई, अरे मैडम बोलिया हाँ आप डालो, तुमने स्पेशल मसालो अरे खाता हो। हमने कई जगह तो ये तक देखा कि फुल्की का जो आटा होता है उसे पाँव से कुचलते हैं, हमने देखा है हमने। तो तुम्हारे जब खात हो ना वो चाट आट, हम चाट फुल्की के खिलाफ नहीं है, अच्छी है पर सफाई से बने तब, है ना, जहाँ सफाई से बनती है तो खा लो। अब आपको पॉजिटिव भी बता देते हैं, फुल्की खाने से कैलोरी मिलती है, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी मिलती है, फुल्की में कोई भी ख़राब चीज़ नहीं डली है, ऐसे आटा है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, मटर है आलू है कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, जलजीरा जो वो भी नुकसान नहीं पहुँचाता, कैलोरी मिलती है ना, खा सकते हैं फुल्की को, एक अच्छा डाइट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गंदगी के कारण
और उसी का अब जानते हो आप 90% लोग गलत तरीके से। एक तो हमने ऐसे ऐसे देखे कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक फुल्की की दुकान खोले था, बगल ही में नाली थी, उससे बर्तन धो रहा था। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा है। पन्ना में नहीं, टेलीविजन में आया और उसको बाद में पुलिस भी पकड़ के ले गई, हमने देखा है। नहीं, नाली में बगल में ईमानदारी से, पता नहीं न्यूज में आया था। और एक और देखी थी, बताएं मुझे तक ना बताएं, बता दे। देखो आप लोगों को इसलिए बता रहे कि सतर्क रहे ना। एक और हम जो भी बोल रहे हैं, एक भी असत्य नहीं बोल रहे। एक और देखी थी हमने, वो टीवी में बता रहे थे कि वो जो दुकान खोले था फुल्की वाला, वो जो फुल्की उल्की में पानी डाल रहा था ना, वो जो पानी ला था वो टॉयलेट से ला रहा था। मतलब टॉयलेट वाला पानी नहीं, नल से, टॉयलेट के नल से पानी ला रहा था वो। अब पर्याप्त हमने तो उनको मोटिवेट कर दो, अब ना खाओ, कम से कम 15 दिन तो ना खाओ। और खाने हो तो उसके यहाँ से खाना जो हाथों में ग्लव्स पहने हो और कलछली से डाले, पन्नी से डाले। चलो पन्नी पन्नी ग्लव्स ना भी पहने हो तो कम से कम कलछली से पानी डाले। और देख लेना जब फुल्की में होल करें तो उसके नाखून में खूब गंदगी ना हो, ये देख लेना, क्योंकि ये फुल्की वाले जो होते हैं ना अपने नाखून को सूजा बनाए रहते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून, इतने बड़े तो राक्षसन के नहीं आते। टक टक आ जाओ, अचार खाएं, आ जाओ बच्चों। पिकल्स में यूज होता है इसका, भर भर के पिकल्स में यूज होता है। दूसरा एसिड है तो सॉल्वेंट भी है, एज अ सॉल्वेंट। हमने जितनी भी बच्चों आपको बताई घटना, एक भी झूठ नहीं है, बना के कुछ नहीं बताया हमने। हम किसी के विरोध में नहीं है, बस हम ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे बीमार ना पड़े, क्योंकि आप लोगों को ये चटर पटर बहुत पसंद रहता है ना, इसलिए आप लोगों को, क्योंकि अब हमें हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम कोरोना जैसे संकट से उभर के आए हैं तो अब हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप खाएँ जो भी खाना है, सफाई से खाएँ, और सबसे बेस्ट तो ये होगा जो भी खाना है घर पे बना के खाएं। बच्चों आप लोगों को शायद ध्यान हो, जब एस किसी भी एसिड का हम हाइड्रोलाइज सॉरी किसी भी एसिड की हम रिएक्शन अल्कोहल से करा दे तो क्या बनते थे, ईस्टर, है ना। तो इसका ईस्टर बनाने में भी यूज होता है, और भी बहुत सारी यूज है। तो लिखिए, हाँ तो ये अच्छा लगाना था, वो लिखिए इन्फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। बच्चों ये पूरी तरीके से आपकी बेस्ट मेथड तैयार हो गई, जल्दी से याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं।